अब आपको बताते हैं बहराइच हिंसा की एक एक अपडेट जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली है। बड़ा खुलासा हुआ है बहराइच हिंसा पर। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बड़े बेटे को लेकर नई जानकारी मिली है। आपको बता देते हैं हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद का बड़ा बेटा है जिसका नाम महमूद आलम है। महमूद आलम नेपाल से नकली सोना लाकर लोगों को बेचा करता था और ठगी करता था। महमूद आलम पर जमीन खरीदवाने के नाम पर भी ठगी करने का आरोप है। महमूद आलम पर एक सिपाही से भी ठगी करने का आरोप है। फिलहाल अब्दुल हमीद और उसके दो बेटे पहले से ही जेल में बंद हैं, जबकि बड़ा बेटा महमूद आलम अभी फरार है। अब्दुल हमीद अपने बेटों के साथ नेपाल भागने की फिराक में था। उसका चौथा बेटा पिंटू जो कि नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज में रहता है। महमूद आलम नाम है, पिंटू नाम से ये फेमस है और ये लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाता है। फंसाने के बाद ठगी का शिकार बनाता है। जैसे आपसे हाँ, ठगी करी है हमारे साथ, तो इन्होंने दो तीन किस्तों में जैसे कभी 2 लाख रुपए, कभी 1 लाख रुपए, ऐसे करके तकरीबन 4,70,000 रुपये के आसपास की ठगी इन्होंने की है। तो आप उसके संपर्क में कैसे आए? अब चूँकि अब इसका आना जाना था, एक मित्र के जरिए ही मेरी इससे मुलाकात हुई थी। इसका स्टार्टिंग में बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, पोलाइटली बात करता था और सेंसिटिव बातें करता था। तो फिर बीच में इसने हमें यह बताया कि हमारे मतलब पिताजी की तबीयत ख़राब है और हमारी वाइफ को डिलीवरी होने वाला है, तो हमारा पैसा बैंक में है जो FD के रूप में है, अगर हम तोड़ेंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको कुछ दिन के बाद आपको पैसा रिटर्न कर दूँगा। चूँकि इसका व्यवहार अच्छा था इसलिए मैंने इस पर भरोसा करके इसको पेमेंट दे दिया। क्या करता था ये, पैसे लेके क्या करता था? और सुना कि और भी इसके लोग को लोगों को ठगी बनाया है, पुलिस भी इसमें शामिल है, तो पैसा क्यों लेता था लोगों से ये? अब जब हम ठगी का शिकार हुए तो हमने इसके बारे में महाराजगंज में इसकी तहकीकात की। तहकीकात से मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि इसका यही पैसा है कि लोगों के साथ ठगी करना और उस पैसे से नेपाल में जाके अय्याशी करता है। तो लोगों से क्या कह के पैसा लेता था ये? लोगों को अपने बहाना बताता था, बीमारियां बताता था, कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कराने की बात करता था, प्रॉफिट देने की बात करता था और कुछ ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो नेपाल से या चाइना से मंगा के देने की बात करता था, जिससे लोग इसके भ्रामक परिस्थितियों में फंस कर शिकार होते थे। क्या व्यापार करता था ये? अब मुख्यतः तो इसका व्यापार है नकली सोना का। नकली सोना के साथ साथ जैसे स्थानीय महाराजगंज में हमने पता किया तो लोगों ने बताया कि जाली नोटों का भी काम करता है, कुछ हथियारों का भी काम करता है, इस तरीके की लोगों ने हमें जानकारी दी। जनपद बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसमें अब्दुल हमीद और उसके दो बेटे आरोपी हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। अब्दुल हमीद के 4 बेटे हैं जिसमें 2 आरोपी हैं और खुद अब्दुल हमीद भी आरोपी है। इनका जो बड़ा बेटा पिंटू है उसकी ससुराल नेपाल में है और नेपाल से ये ठगी का काम करता था। ये नेपाल से नकली सोना लाकर भारत में बेचा करता था और लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। कहता था ये नेपाल का असली सोना है, जबकि जब यहाँ व्यापारी इसको लेते थे उसके बाद वो नकली सोना साबित होता था। उसने कई ऐसे लोगों को भी ठगी बनाया, व्यापारी को बनाया जिनसे पैसा ले लिया और अब तक 3 से 4 साल हो गया पैसा नहीं दिया। उसने सिपाही तक को भी नहीं छोड़ा है, एक सिपाही को भी उसने शिकार बनाया जिनसे जमीन के नाम पर 6,70,000 रुपये ले लिए। तो ऐसे में अकूत संपत्ति आने का एक बड़ा जरिया अब्दुल हमीद के पास इस ठगी का था, सिंडिकेट था, जिसके वजह से ये मनबल हो गए थे और उन्होंने गोलीकांड जैसी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब्दुल हमीद और उसके 2 बेटे जेल जा चुके हैं। अखिलेश कुमार, News 18 बहराइच। बहराइच बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का मामला NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा है। इस पर आपको बता देते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील ने शिकायत की। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें इनके ऊपर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बहराइच में जो हिंसा हुई उसमें आगजनी, हत्याकांड और आरोपियों के घर कल बुलडोजर चल सकता है। बुलडोजर वाली कार्रवाई में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल यानी कि सोमवार के दिन बुलडोजर चलाया जा सकता है। जिन लोगों के पेपर पूरे नहीं पाए जाते हैं, महाराजगंज से हुई हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए PWD ने 3 दिन पहले इनको नोटिस यहां पर दिया है।
इनके घरों के बाकायदा बाहर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में अवैध कब्जा हटाने के लिए 3 दिन का जो वक्त दिया गया था, इसकी मियाद आज खत्म हो रही है रविवार के दिन। तो ऐसे में हो सकता है कि कल बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर देखी जाए। आपको यह बताएं कि मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब बुलडोजर वाला एक्शन यहां देखा जाना है। नहीं करवा दो यार। बढ़ते हैं आगे। नोएडा से खबर, जहां पर नौकरानी की मौत पर जमकर हंगामा हुआ है। सेक्टर 134 की हम बात कर रहे हैं। 134 सेक्टर में मेज ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जेपी कॉस्मोस सोसाइटी के गेट पर बड़ी संख्या में मेज इकट्ठा हुई हैं, जमकर बवाल मचा है। सूचना के बाद थाना एक्सप्रेसवे पुलिस की टीम यहां मौके पर पहुंचती है। 11वीं मंजिल से नौकरानी गिर गई थी, जिसको अस्पताल ले जाने के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। परिजन इस मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। उनका आरोप है कि नौकरानी को छत से धक्का दिया गया है। रामपुर में महिला सिपाही की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति और नंदोई को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में महिला सिपाही की सिरकटी लाश मिली थी। वो रामपुर के महिला थाने में हेड कांस्टेबल थी। पति पत्नी दोनों यूपी पुलिस में सिपाही हैं। आरोप के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में पति ने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतका के परिजनों से विस्तृत पूछताछ और साक्ष्य संकलन में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उसकी हत्या उसके पति ने और उसके पति के बहनोई ने, दोनों ने मिल करके कर दी थी। विस्तृत पूछताछ की गई है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है और कार भी बरामद कर ली गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य तथ्य जो प्रकाश में आएंगे उनके पर आधार पर कार्यवाही की जाएगी। उधर बागपत में खाद्य विभाग ने दीपावली से पहले मिलावटी जहर के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। खाद्य विभाग ने बागपत में छापा मारते हुए एक कार से 2 क्विंटल नकली मावा बरामद किया है। खाद्य विभाग ने नकली मावे को बरामद करके जेसीबी की मदद से मावे को जमीन में दबाकर इसको नष्ट कर दिया है। नष्ट करवाया गया है मावा। ये मावा घनौरा सिल्वर नगर गाँव में बनाया गया था, जहाँ से मुजफ्फरनगर में सप्लाई के लिए लेकर जाना था। जब मावा माफिया कार में लेकर जा रहे थे तो खाद्य विभाग ने छापेमारी कर दी और ये मावा जब्त किया गया। ग्राम धनौरा सिल्वर नगर तहसील बागपत से नकली या मिलावटी मावा तैयार होकर मुजफ्फरनगर की तरफ एक प्राइवेट स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में हमने उसको बीच में बिनौली क्षेत्र में पकड़ा एवं उसमें जब मौके पर देखा तो उसके पीछे डिग्गी में और एवं पीछे की सीट पर लगभग 6.5 क्विंटल मावा भंडारित पाया गया। उसमें हमने तत्काल प्रभाव से उसको सारे जो भी मावा था उसको नष्ट कराया गया है एवं जांच हेतु नमूना संग्रहित कर प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। विभाग द्वारा ये कार्यवाही आगामी दीपावली पर्व तक एवं आगे भी लगातार जारी रहेगी।